नमस्कार, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का मौका है। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड में, प्रखंड मुख्यालय में 7.5 करोड़ की लागत से सीएसपी अस्पताल बना, सीएचपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। हम चाहेंगे कि जो देखा जाए, यह 7.5 करोड़ की लागत से बना है। इसकी जो बनाने में, जो भवन बनाने में 5.68 करोड़ 3 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। उसके बाद फर्नीचर से लेकर और मेडिकल उपकरण के साथ इसकी पूरी खर्च 7.5 करोड़ गिरा है। और यह बहुत ही 3 मंजिला 17,000 स्क्वायर फीट में यह इसका निर्माण कराया गया है। और इसका जो पहले देखिए, जैसे इंट्रेंस के साथ पहले ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और मुख्यमंत्री जी आज इसका निबंधन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से अस्पताल को सजाया गया है, और यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है। वर्चुअल उद्घाटन में आसपास के नेता लोग भी आए हुए हैं, और इस तरह से ये पूरी उद्घाटन, मैं चाहूँगा कि आपको पूरे अस्पताल को दिखाऊँ, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएँ हैं। और इस तरह के जैसा बताया गया है कि बिहार में 2 अस्पताल अभी बने हैं, हर प्रखंड में इस तरह के अस्पताल बनाने की कवायद शुरू है। और ये सीएसपी अस्पताल अभी 30 बेड का बना हुआ है, लेकिन अभी बगल में जो रेफरेंस अस्पताल है से 30 बेड का हुआ भी है। अब इस अस्पताल के बन जाने के बाद इस प्रखंड मुख्यालय में इस अस्पताल की क्षमता 60 बेड की हो गई है, और यहाँ हर चीज की व्यवस्था है। चलिए पहले हम उद्घाटन समारोह को देख लेते हैं, उसको कवर करते हुए उसके बाद हम आपको पूरे अस्पताल का भ्रमण करवाएंगे। पूरा देख लीजिए, यहाँ पे सेटअप तैयार है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन का लोग बैठे हुए हैं, गणमान्य लोगों को बुलाया गया है। और हम चाहेंगे कि उद्घाटन से पहले हम पूरे अस्पताल का आपको भ्रमण करवा लें। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ जरा दिखाइए, उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है, हम पूरे अस्पताल का भ्रमण करवाना चाहेंगे। आप देखिए, यह पूरा अस्पताल के चारों तरफ जो है से जगह जगह सब लगाया हुआ है। देखिए, सामान्य डॉक्टर का एक ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग डॉक्टरों की चेंबर है, जनरल डॉक्टर की चेंबर है, लेकिन विशेषज्ञ के डॉक्टर की जो चेंबर है उसके ऊपर है। हम चाहेंगे कि जनरल डॉक्टर का देखिए चेंबर दिखा दीजिए, और ये अलग अलग सभी के चेंबर है। 3 चेंबर यहाँ जनरल डॉक्टर के बनाए गए हैं, और यहाँ एक्सरे की सुविधा है, और यहाँ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कक्ष यहाँ बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन कक्ष है, और इधर अल्ट्रासाउंड है, और यहाँ डॉक्टर ड्यूटी कक्ष है, यहाँ से ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पर चेम्बर था, और यहाँ पर शौचालय सब का पूरा व्यवस्था है। और हम चाहेंगे कि इधर से हम दिखा दें कि यहाँ देखिए पावर सप्लाई यूनिट है, यहाँ से पूरे अस्पताल में बिजली सप्लाई होगी। और हम चाहेंगे कि सीढ़ियों से अब चल के हम आपको बताएं कि यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं। हम कहेंगे पूरे हर बेड पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हर फ्लोर पे आपको एक वेटिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर प्रतीक्षालय है, जहाँ पर लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं, और जो भी पेशेंट आएंगे, और यह प्रतीक्षालय है, वेटिंग एरिया है। और इधर देखिए कि खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, इस तरफ शौचालय सब का व्यवस्था है, और इस तरह जो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगे, उनके लिए अलग अलग चेम्बर बनाए गए हैं। यहाँ पर सैंपल कलेक्शन होगा पैथोलॉजी के लिए। और देखिए इधर भी ट्रिएज वार्ड है, और ये विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ रहेंगे। यहाँ ड्रेसिंग रूम है, और यह पूरा हम दिखाएं चाहेंगे कि सब चीज़ दिखाया जाए अच्छी तरीके से। देखिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए 4 चेम्बर बनाए गए हैं, और गायको जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं यहाँ रहेंगे, गायको रोग वार्ड है, इस वार्ड में स्त्री रोग के लिए रखा गया है व्यवस्था। और हम अस्पताल के उस साइड आपको दिखाना चाहेंगे कि अस्पताल के उस साइड क्या है, समतल है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर एक जो कि व्यवस्था एक वार्ड की है। देखिए, डॉक्टर ड्यूटी कक्ष, पीएनसी वार्ड, ओटी कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, कितना सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, रिकवरी वार्ड है, और उसके बाद जो भी है ट्रामा सेंटर की तरफ ही काम करेगा, स्क्रब है, ओटी रूम है, यहाँ पर छोटे ऑपरेशन के लिए, बड़े ऑपरेशन के लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर है। और इधर देखिए एनआईसीयू वार्ड हो गया, एनआईसीयू वार्ड इधर हो गया, और यहाँ नर्स ड्यूटी कक्ष अलग बनाया हुआ है। तो इस तरीके से पूरे अस्पताल जो है इस तरह से सजाया गया है, और 17,000 स्क्वायर फीट पे फीट के एरिया में इसको बनाया गया है। और देखिए हर जगह फायर सेफ्टी, ऑक्सीजन का पूरा पूरा व्यवस्था है,
हम चाहेंगे कि अभी हम इस बार सीढ़ियों से ऊपर आए थे, अब हम रैंप के माध्यम से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए रैंप की व्यवस्था है, और यहाँ प्रथम तल के नीचे जाते हैं, उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। देखिए थर्ड फ्लोर पे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और यह जो ऊपर वाला जो एरिया है, जो फ्लोर है, लास्ट फ्लोर है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मेल वार्ड, मतलब पुरुष वार्ड, स्त्री वार्ड अलग अलग बनाया गया है। ये देखिए पुरुष वार्ड है, अभी यहाँ बेड लग चुके हैं, और देखिए हर बेड पे, हर बेड पे दिखाने चाहेंगे कि हर बेड पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का, बच्चा के लिए और बड़े के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन पाइपलाइन से ऑक्सीजन है, और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। तो इस तरह से वार्डों में हर तरह के ग्रामीण स्तर पर इतनी सुविधा बनाई दी गई है। और हम ऊपर देखते हैं, देखिए उसी प्रकार देखिए जिस तरह से पुरुष वार्ड था, ये महिला वार्ड है, महिला वार्ड भी सेम व्यवस्था है। और फिर हम यहाँ, लेकिन एक सुविधा और भी है, आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कि अगर आप अलग कमरा लेना चाहते हैं, निजी रूम, कुछ पैसे देकर आप अलग वार्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पूरी सुविधा रहेगी, यहाँ सब चीज रहेगा, लेकिन यहाँ सिंगल बेड लगेगा, और यहाँ आप पैसे पे करके निजी बुक कर सकते हैं, इसका अलग से आपको चार्ज देगा। बाकी जो भी है वो सरकारी सुविधा है, लेकिन यहाँ पर जो है, अगर आप सक्षम है, आप चाहते हैं कि हम पैसे देकर अलग वार्ड में शिफ्ट हो जाए, कुछ स्पेशल हमको सुविधा मिले, तो ये निजी वार्ड भी बनाए गए हैं, अलग अलग निजी वार्ड बनाए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं, यह निजी वार्ड है। तो इस तरह से पूरा एक हॉस्पिटल का हम आपने आपको मैं भ्रमण करवाया, और हम चलते हैं जल्दी से ऊपर की ओर, जहाँ से आपको देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे कि बाहर का जो एरिया है, यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, और लाउंज देखिए, पानी पीने के लिए फ्रिज है, और यहाँ देखिए ये पूरा वेटिंग एरिया है, वेटिंग लाउंज है यहाँ बनाया गया है, और यहाँ पर इंतजार भी कर सकते हैं अगर घेर के, यहाँ पर और व्यवस्था हो सकते हैं। और चीज़ आपको मैं बताना मैं भूल गया, उस साइड में यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है, जो हम मरीजों को आइसोलेट किया जा सकता है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान आइसोलेशन की बहुत समस्या आ रही थी कि आइसोलेट कहाँ किया जाए मरीजों को, तो आइसोलेशन वार्ड भी यहाँ बनाया हुआ है। अब हम देखते हैं ऊपर का नज़ारा, तो यहाँ पर फिर ऊपर में छत है, छत पर क्या क्या व्यवस्था है उसका हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए छत पे पूरा वाटर प्रूफिंग लगाया गया है यहाँ पे, और ये व्यवस्था देखिए छत पे पानी टंकी है, यहाँ फायर ब्रिगेड के लिए अलग से टंकी बनाया गया है आग बुझाने के लिए, यहाँ पानी की व्यवस्था है। और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत यह अस्पताल है, इसका निर्माण कराया गया है। अभी आपने पूरा अस्पताल को देख लिया, पूरी व्यवस्था देख ली, अब हम आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रभारी हैं, जिनके अंदर यह पूरा व्यवस्था है, और यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि भी उपलब्ध हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, और कौन कब तक यह पूरा बढ़िया से काम करने लगेगा। 30 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें पब्लिक को यहाँ पे जो भी इमरजेंसी का सुविधा है, डिलीवरी के लिए सुविधा है, ऑपरेशन के लिए सुविधा है, और स्टाफ तो हमारे पास फुल फ्लेज है, लेकिन हम लोगों के पास डॉक्टरों की ही कमी है। डॉक्टर में मात्र हम लोग 2 MBBS डॉक्टर हैं, और वो भी हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है। एक डॉक्टर मीना राय जो मैं प्रभारी हुई, और एक डॉक्टर वजुद्दीन जो कि MBBS है। डॉक्टरों की कमी के वजह से जनता को दिक्कत हो सकती है, बाकी व्यवस्था के लिए तो यहाँ अधिक से अधिक हम लोग मरीजों का रहने के लिए, उन लोगों के लिए दवा के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग की है। अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, एक्सरे का व्यवस्था है। हम लोग जैसा पिछड़ा इलाका में इतना अच्छा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, लेकिन हम लोग प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी महोदय से आग्रह करते हैं कि जितना भी सुविधा गरीब गुरबा को मिलना चाहिए वो यहाँ से मिले। और सबसे पहले मैं चिकित्सा प्रभारी से मांग करती हूँ कि सिजेरियन जो होता है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में महिलाओं को नहीं जाना पड़े, यहाँ पर ही सुविधा मिले,
और इससे गरीबों को, गरीब महिलाओं को बहुत लाभ पहुँचेगा। सीटी स्कैन हुआ, इसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये सब सुविधा हमारे तरफ से, हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि हम लोग को सभी सुविधा इस हॉस्पिटल से मिले। और गरीब गुरबों को तो बाहर जाना पड़ता था, उन लोग को स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार के पास पत्र लिखेंगे और हस्ताक्षर अभियान चला के और मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। और इसके लिए जितने भी एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे जितने भी जांच घर के सब पदों पर, जो रिक्त पद है सब पर बहाली होना चाहिए। हम लोग बिहार सरकार से मांग करेंगे।